हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वो क्या आपके सामने दिख रहा है, क्लास टेंथ का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्या कहता है, दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए जबकि प्रथम पद और सर्वांतर निम्न है। यानी हमें फर्स्ट पद दिया है और सर्वांतर दिया है, और इसी आधार पर हमें क्या करने हैं, हमें अगले पद चार पद बताने हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं किसी भी एपी का अगर सर्वांतर दिया है तो उसका अगला पद निकालने के लिए सर्वांतर क्या करते हैं, उसमें जोड़ जोड़ के निकाल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है। प्रथम पद जिसे हम ए से डिनोट करते हैं वो 10 दिया है, तो दूसरा पद क्या होगा, द्वितीय पद बहुत आसान है निकालना, आपको क्या करना है, प्रथम पद में सर्वांतर जोड़ देना है, हाँ दूसरा पद आ जाएगा। तो ये दोनों 10-10 दिया है संयोग से, दूसरा पद 20 हो गया। इसी तरह से तृतीय पद, यहाँ से देख लो, तृतीय पद बराबर क्या हो जाएगा, आपका जो दूसरा पद आया है यानी A2, उसमें आपको D जोड़ देना है, यानी 20 आया है धन 10 जोड़ देना है, 30 हो गया। इस तरह से तृतीय पद आ गया। अब चौथा पद, ऐसे ऐसे हम जितने पद चाहें उतने पद निकाल सकते हैं, है ना। तो चौथा पद बराबर ये तीसरा पद में आपको डी जोड़ना है, तो तीसरा पद 30 आया है, डी का मान 10 आया है, बराबर 40 हो गया। इस तरह से आपका पहला पद 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30 और चौथा पद 40 आ गया। ठीक है, यही करना था, बाकी और कुछ नहीं करना था, इसमें ऐसे ही कर देना है। तो ये आपका हो गया क्लियर। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट उम्मीद करते हैं इस तरह से आप लोग सारे कर लेंगे। इसमें ए का मान -2 दिया है, ए का मान -2 दिया है और डी का मान 0 दिया है। तो इस तरह से दूसरा पद आप बड़े प्यार से कर लोगे, तीसरा भी कर लोगे, चौथा भी कर लोगे और सारे पद आप ऐसे ही निकाल लोगे, है ना। अगर किसी को कोई प्रकार की समस्या है तो बता दो, जो कमेंट बॉक्स में परेशान हो रहे हैं बेटा चैट में, देखो पढ़ाई कर लो पहले तो बेहतर रहेगा। मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ जो हैरान परेशान है, सबका देख रहा हूँ, लेकिन पढ़ाई कर लो तो अच्छा है, ये चैटिंग वैटिंग तभी मज़ा आएगी ना, पढ़ लो। चलो इसमें प्रथम पद दिया है, हम सबको दिख रहा है, ए बराबर कितना दिया है, -2। अब द्वितीय पद निकाल लो, द्वितीय पद ए में डी जोड़ोगे तो ए का मान -2 दिया है, डी का मान 0 दिया है, तो द्वितीय पद भी क्या हो जाएगा, -2। इस तरह से तृतीय पद निकालोगे तो दूसरे पद में डी जोड़ोगे, दूसरा पद भी क्या है, वही दिया है। चौथा पद भी ऐसे हो जाएगा, चौथा पद बराबर इसमें तीसरा पद में डी जोड़ोगे, जब सब एक ही दिया है तो एक ही आएगा। इस तरह से आपका ये क्या बन गया, ये प्रथम पद बन गया, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद और ये चौथा पद, सभी -2 आए हैं। कितने आए हैं, सभी -2 आए हैं, याद रखना, इसमें माइनस लगा है सब में, दो में। ये आपका दूसरा पार्ट भी हो गया। इस तरह से प्यारे बच्चा, इसमें का जितना भी दिया है तीसरा चौथा सब कर लोगे घर से। थर्ड वाला होमवर्क है, देख लो इसको घर से करना, अब मैं नहीं बताने वाला हूँ। ए बराबर 4 दिया है और डी बराबर -3 दिया है, इनको कर लेना और फिर मुझे बताना। ए बराबर -1 दिया है, डी बराबर 1/2 दिया है, इन दोनों को खुद से करना है इसी तरह से। उम्मीद करते हैं कि हर कोई कर लेगा ना, प्रत्येक बच्चा बच्ची कर लेगी, इसे किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका सेकंड क्वेश्चन ख़त्म हो गया, अब हम चलेंगे थर्ड क्वेश्चन की ओर। आप लोग ये बताओ कि एनसीईआरटी किताबें लिए हो कि नहीं लिए हो, क्यों भाई लिए हो ना किताब,
एनसीईआरटी वाली किताब लिए हो ना तो तीसरा क्वेश्चन पढ़ो झटाझट। देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म्स एंड उनका कॉमन डिफरेंस आपको ज्ञात करना है। तो इसका जो मुख्य क्वेश्चन है पहला पार्ट वो देखो यहाँ पे, ये थ्री है, वन है, माइनस वन है और माइनस का थ्री है, ये आपकी सीरीज दी गई है, ठीक है। इसी बेस पर आपको सब बताना है। भैया इसमें प्रथम पद बहुत आसान होता बाबू, जो सहाँ से श्रेणी शुरू होती जहाँ से वही प्रथम पद होता है, जो कि तीन हो गया। दूसरा आपको सर्वांतर बताना है यानी कॉमन डिफरेंस जिसे बोलते हैं। इसके लिए आपको कोई भी मतलब बाद वाला पद से पहले वाला पद घटा देना है। तो चलो माइनस तीन से हम क्या करते हैं, घटा देते हैं माइनस वन को, तो ये माइनस तीन और प्लस वन इक्वल माइनस दो आ जाएगा। ये तो मैंने एक पे ट्राई किया, पता नहीं सही है कि गलत है, तो मैंने इसमें से इसको घटाया है। अब हम इसमें से इसको भी घटा के देख लेंगे, सर्वांतर दोबारा निकाल लेंगे, चाहे जितनी बार निकालो उतना ही आना चाहिए। तो वन माइनस थ्री इक्वल माइनस टू तब भी आ रहा है, यानी माइनस दो सर्वांतर यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यानी कन्फर्म होता है कि सर्वांतर माइनस दो ही होगा। अब अगर सर्वांतर माइनस दो है तो इसके आगे के और भी पद हम लिख सकते हैं माइनस दो जोड़ जोड़ कर। देखो तीन है, तीन में माइनस दो जोड़ा एक हो गया, एक में माइनस दो जोड़ा तो माइनस वन हो गया, माइनस वन में माइनस दो जोड़ा माइनस तीन हो गया, इसमें माइनस दो जोड़ेंगे तो ये माइनस पाँच हो जाएगा, और फिर ये माइनस सात माइनस नौ, ऐसे ऐसे ये पद बढ़ते चले जाएंगे। बात समझ में आई सबको ना, हाँ ये नए पद हैं। इसी पर आधारित आपको सेकेंड पार्ट भी करना है। सेकेंड पार्ट देखिए, माइनस पाँच माइनस वन और ये थ्री और ये सेवन। अगले पार्ट आप खुद से बता सकते हो अगर आपको डी का मान याद हो गया, आ गया समझ में तब। चलो जल्दी मुझे बताओ नेक्स्ट पद क्या आएगा इसमें। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमें सिर्फ फर्स्ट पद ए और सर्वांतर डी निकालना है बस, बाकी कुछ ना निकालना है। चलिए रेडी हो जाइए। पहला पद यानी ए का मान बोलिए क्या आएगा। जो बच्चा कमेंट कर रहा है, मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ, लेकिन देखो यार पढ़ाते टाइम बहुत डिस्टर्ब होता बाबू, अगर तुम लोग का कमेंट देखा जाता है तो दिमाग घूम जाता है, इसलिए पढ़ लो। पहला पद क्या है, जहाँ से श्रेणी शुरू होती है वो पहला पद होता है। कॉमन डिफरेंस यानी डी निकालने के लिए कोई भी दूसरा वाला पद से पहले वाले पद को घटा लेते हैं, चाहे दूसरा वाले से पहला वाला या तीसरा वाले से दूसरा वाला या चौथे वाले से तीसरा वाला पद, ऐसे निकालते हैं। तो हम माइनस वन से माइनस का पाँच घटा लेंगे, इस तरह से माइनस वन और ये प्लस का फाइव इक्वल फोर आएगा, क्या आएगा फोर। हो सकता है ये कॉमन डिफरेंस सही हो या ना सही हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप एक ठी और ट्राई कर लो। चलो दोबारा से, तो तीन में से क्या घटाओगे, माइनस का वन घटाओगे बाबू, तो ये आपका तीन धन वन इक्वल फोर तब भी आएगा, चाहे जितनी बार कर लो तुम सर्वांतर वही आएगा। चार यहाँ पर आया था, यहाँ पे चार ही आया है, अगर तुम सात से तीन घटाओगे तब भी चार ही आएगा। तो बस यही दो चीज़ें निकालनी थी आपको, ए निकालना था और डी निकालना था, हो गया। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट भी आप लोग करोगे, वन अपान थ्री एंड फाइव अपान थ्री, नाइन अपान थ्री एंड थर्टीन अपान थ्री करके, और इसके आगे के पद खुद से बताना, ठीक है। थर्ड वाले के बाद में आप फोर वाला भी करोगे, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, ये भी खुद से आप करोगे जैसे इसको करोगे। तो इस तरह से आपका थर्ड क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आएगा आपका फोर नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा आएगा, फोर नंबर क्वेश्चन। देखिए
एक एक क्वेश्चन आप बड़े ही प्यार से लगाएंगे, आपको सब आएगा, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। तो छात्रों, अगला क्वेश्चन हम आपको अगले क्लास में बताएंगे, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करिए। अगर आप बड़ी बड़ी क्लास पाना चाहते हैं, मतलब एक ही क्लास में सारा एक्सरसाइज ख़त्म हो जाए, तो आप PVR स्टडी एप्लीकेशन में जा कर के ये क्लास 10th का मैथ आज ही इनरोल करिए और घर बैठे पढ़िए बिल्कुल प्यार से, ठीक है। कोई भी डाउट रह गया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप कोर्स एप्लीकेशन के अंदर इनरोल करते हैं, एक बार ज्वाइन करते हैं, तो आपको डाउट सेशन अलग से दिया जाएगा, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास के लिए इंतज़ार करिएगा, इसी टाइम पे फिर से मिलेगा अगला क्लास।